अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे। तो हमने पहले लेक्चर में कुछ अपनी इंट्रोडक्शन से बात कर ली थी कि कुछ बच्चों की कन्फ्यूजन्स थी वो हमने क्लियर कर ली थी, और कुछ हमने कोर्स के बारे में, क्रैश कोर्स के बारे में देख लिया था कि हम क्या सीखेंगे, कैसे सीखेंगे। सो आज का ये छोटा सा लेक्चर होगा थोड़ा सा, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा सबको था कि सी प्लस प्लस क्या है, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा मिल जाए। तो थोड़ा सा मैं एक ओवरव्यू दे दूंगा सी प्लस प्लस का आपको अभी। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा आपके लिए कि सी प्लस प्लस थोड़ी सी होती क्या है। वैसे मैंने कल भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, लेकिन आज मैं थोड़ा सा विजुअल्स के साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। सो यहाँ पे देखते हैं कि जी व्हाट इज सी प्लस प्लस। तो हम देखते हैं कि सी प्लस प्लस इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज, ठीक है, दैट कैन बी यूज टू क्रिएट हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस। ये आपको समझ आ गई कि आपने कोई एप्लीकेशन बनानी है, जैसे कि मैं मिसाल के तौर पे आपको कहता हूँ कि आपके प्ले स्टोर पे आप कुछ डाउनलोड करते हैं तो वो एक एप्लीकेशन है ना। तो ऐसे ही आपने कोई एप्लीकेशन बनानी होगी जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज के थ्रू आप बनाते हैं, ठीक है। तो क्या बनानी है वो हमारा अभी गर्ज नहीं है, क्योंकि अभी तो हम इनिशियली इनिशियल स्टेज पे हैं। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे चल सकती है, कि मतलब इसका प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म क्या होता है, प्लेटफॉर्म बेसिकली ये होता है कि जैसे आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो ये एक प्लेटफॉर्म है ना आपके लिए। आप जो मैक ओएस यूज करते हैं उनका, ठीक है, एप्पल की प्रोडक्ट्स यूज करते हैं वो भी एक प्लेटफॉर्म है, एंड्रॉयड एक प्लेटफॉर्म है आपके लिए। सो एक क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है, ठीक है। अच्छा, ये जो मैं बेसिक्स आपको बता रहा हूँ, ये अक्सर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के कोर्स में आपको एमसीक्यूज वाइज या आपको थियोरेटिकली थोड़ा सा पूछ लेते हैं, तो आपको थोड़ा सा नो हाउ होना चाहिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि सी प्लस प्लस वॉज डिवेलप्ड बाय बजारने, ठीक है, एज एन एक्सटेंशन टू द सी लैंग्वेज। तो बेसिकली ये भी बड़ा अक्सर सवाल आ जाता है कि जी सी प्लस प्लस डिवेलप किसने की है, तो ये आपको नाम याद होना चाहिए। तो अब सी लैंग्वेज क्या है बेसिकली? अच्छा, सी लैंग्वेज कुछ भी नहीं है, सी लैंग्वेज पहले आई थी और सी प्लस प्लस बाद में आई थी, ठीक है। अब सी लैंग्वेज एक वो ऐसे ही है जैसे एंड्रॉयड के वर्जन्स आते हैं या आईओएस के वर्जन्स आते हैं। तो पहला वर्जन आया, उसके बाद दूसरा वर्जन आ गया, ठीक है, कुछ अपडेशन होके आता है ना वर्जन, तो ये ऐसे ही है। सी प्लस प्लस एक एक्सटेंशन थी सी लैंग्वेज की। अब सी लैंग्वेज क्या है वो बहुत आसान है, अगर आपको सी प्लस प्लस आ गई है समझ तो सी लैंग्वेज भी इजिली आपको समझ आ जाएगी। कोई बस एक दो सिंटेक्स का फर्क होता है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन हम सी प्लस प्लस पे जरा अपना फोकस रखेंगे। अच्छा, थर्डली लिखा हुआ है सी प्लस प्लस गिव प्रोग्रामर्स अ हाई लेवल ऑफ कंट्रोल ओवर सिस्टम रिसोर्सेज एंड मेमोरी। सो बेसिकली हमारे पास देखें, जब भी हमने कोई सिस्टम बनाना है, कोई एप्लीकेशन बनानी है, हमने अपनी रिसोर्सेज और मेमोरी के, जैसे रैम हो गई हमारी, हार्ड ड्राइव हो गई, उनकी जो स्टोरेज है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं कि जी एक प्रोग्राम, एक एप्लीकेशन कितनी स्पेस लेगा, ठीक है। जैसे अभी अक्सर बच्चों को शिकायत रहती है कि जी हमारा लैपटॉप स्लो है, चलता है, तो हम रैम इंक्रीज कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। वो रैम इंक्रीज करने का मकसद क्या होता है? वो बेसिकली मकसद यही होता है कि आपके जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं वो जिस मर्जी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, ठीक है, डिस्पाइट द फैक्ट ऑफ द लैंग्वेज, आपके जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनको और स्पेस मिल सके, ठीक है। तो रिसोर्सेज और मेमोरी को आप अच्छे से एलोकेट कर सकते हैं इसमें। और द लैंग्वेज वॉज अपडेटेड 4 मेजर टाइम्स इन 2011, 14, 17 एंड 20। तो सी प्लस प्लस 11, प्लस प्लस 14, प्लस प्लस 17, प्लस प्लस 20, ये कुछ बेसिक से उसके वर्जन हैं, क्योंकि हर जैसे एंड्रॉयड का वर्जन आता है, पहले कुछ आया फिर कुछ आया, तो ऐसे ही वर्जन में ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है उसमें अपडेशन दौर के हिसाब से आएंगे, तो उसके वर्जन है। तो हमारा इनसे कुछ गर्ज नहीं है, हमने सिर्फ अपनी लैंग्वेज सीखनी है। अच्छा, सी प्लस प्लस को हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि जी एक तो फास्ट यूनिवर्सिटी भी पढ़ा रही है, और दूसरा कि वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है, आसान है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में भी फाउंड होती है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में भी चलती है, और एम्बेडेड सिस्टम में भी। ये सिंपली आप इस तरह समझ लें कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये जो आप विंडोज इस्तेमाल कर रहे हैं या जो ये वर्ड पे मैंने लिखा हुआ है, हो सकता है पीछे इसके सी प्लस प्लस कोडिंग के थ्रू ये बना हो, तो हमें नहीं पता, लेकिन हो सकता है, ठीक है।
अच्छा, C++ इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेसिकली एक पूरा कोर्स है, ऊप जिसको कहते हैं हम, वो सेकंड सेमेस्टर में आप लोग पढ़ेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दूं कि बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ये होता है कि आपने देखें, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं इसकी, कि अगर आपने एक पीस ऑफ कोड लिखा है, ठीक है, जैसे आपको टीचर कह दे कि जी आप 1000 टाइम्स लिखें आई एम सॉरी, ठीक है। अब आपको हर लाइन बार बार लिखनी पड़ती है, लिखनी पड़ती है, लिखनी पड़ती है। अब कोई इस तरह का मैकेनिज्म होता कि आप सिर्फ एक बार लिखते और उसको करते जी मल्टीप्लाई बाय 1000 और वो 1000 बारी खुद ही लिखी जाती, तो कितना आसान होता आपके लिए। तो इसको कहते हैं कोड की रीयूजिबिलिटी, किसी चीज को रीयूज करना, ठीक है, उसकी रीयूजिबिलिटी को बढ़ाना, उसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहते हैं। ये अभी हम इसमें डीप नहीं जाते इतना, लेकिन ऊपर ऊपर से मैं आपको सिर्फ बताता हूँ। अच्छा, C++ इज अ पोर्टेबल एंड कैन बी यूज टू डेवलप एप्लीकेशंस दैट कैन बी अडॉप्टेड टू मल्टीपल प्लेटफॉर्म। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर कोई प्लेटफॉर्म और विंडोज का है, iOS का है, लिनक्स का है, तो क्रॉस प्लेटफॉर्म पे लैंग्वेज चल सकती है। C++ इज फन एंड ईजी टू लर्न, वाकई ही में इसमें सीखने में मजा आता है और लर्निंग भी साथ साथ आपकी हो रही होती है। जैसे कि C++ इज क्लोज टू सी शार्प एंड जावा, इट मेक्स इट इजी फॉर प्रोग्रामर्स टू स्विच टू C++ और वाइस वर्सा। अच्छा, जब आपने C++ सीख ली, आपके कमांड आ गई, आपको लिखना आ गया, आपको सिंटेक्स आ गया लिखना, तो इसका मतलब ये है कि आप सी शार्प भी सीख सकते हैं, आप जावा भी सीख सकते हैं। जब आपने दो लैंग्वेजेस, एक लैंग्वेज सीखी तो आपकी दो ऑटोमेटिकली सीखी गई सिंटेक्स, क्योंकि लैंग्वेज में बेसिकली पर्पस क्या होता है कि आपको पता हो कि जी एक ये लिखना कैसे है। जैसे उर्दू के कुछ आदाब होते हैं, कुछ उसके रूल्स होते हैं, इंग्लिश के कुछ रूल्स हैं, वो अगर फॉलो नहीं करते तो लैंग्वेज खराब हो जाती है। ऐसे ही C++ है। सो डिफरेंस बिटवीन सी एंड C++, सी में हमारे पास, क्योंकि C++ बाद में आई एक्सटेंशन थी सी की, तो सेम सिंटेक्स ही है, कोई मेजर फर्क नहीं है, बस थोड़ी बहुत चीजों का फर्क हो जाएगा, वो हम इतना डिग डाउन नहीं करते अभी। लेकिन मेजर मकसद आपको, ये वीडियो मेरा शॉर्ट रखने का भी मेजर मकसद यही था कि आपको थोड़ा सा पता हो कि जी C++ है क्या और हम क्यों पढ़ रहे हैं। एक तो है कि जी हम डायरेक्टली C++ पे मूव ऑन कर जाते हैं, वो तो गलत होता, क्योंकि हमें जब पता ही नहीं है कि हम C++ पढ़ क्यों रहे हैं, क्यों करनी है, तो वो फिर हमारे साथ हमारी कंफ्यूजन आती, कॉन्सेप्ट क्लियर ना होते। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग के C++ के थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि C++ एक लैंग्वेज है, कुछ उसका सिंटेक्स है, उस सिंटेक्स की बेस पे हमने कुछ लिखना है और जो लिखेंगे उसकी बेस पे हमारा कुछ प्रोग्राम या एप्लीकेशन चलेगी। तो आज ये वाले लेक्चर में इतना ही, तो थैंक यू सो मच।